सो गाइस ये है मेरा आज का डिनर, ये है चिकन रोल जो मैंने बनाया है, जो हेल्दी भी है और बहुत चटपटा और बहुत यमी है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब डाइट पे होते हैं ना तो ज्यादा चटपटा खाने का मन करता है, तो ये नाचनी की रोटी में जो है मैंने चिकन रोल बनाया है। ऑब्वियसली आप रोटी चेंज कर सकते हो और मैं अभी इंजॉय कर रही हूँ अपना ये नाचनी चिकन रोल विथ मिक्स वेजिटेबल सूप। और ये मैंने कैसे बनाया है आप वो देख के आइए, तब तक मैं ये इंजॉय करती हूँ। बहुत यम। सबसे पहले आप थोड़े से अनियन इस तरीके से स्लाइस करके पानी में भिगो के साइड में रख दीजिएगा। अब शुरू करते हैं अपना चिकन प्रिपेयर करना। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में जो है तेल ले लिया है और ये है 4 मीडियम साइज के अनियन। इन्हें ना हमें पतला पतला स्लाइस कर लेना है और फिर तेल जैसे ही गर्म हो जाए वैसे ही हम ये स्लाइस्ड अनियंस इसमें डाल के उसे सौते करेंगे। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे, मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्च ले रही हूँ और इसे हम अच्छे से तब तक सौते करेंगे जब तक ये हल्के से गोल्डनिश पिंक ना हो जाए। ये देखिए यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं करीब 2 टीस्पून्स ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कब तक, जब तक अदरक लहसुन की जो कच्ची हीक है वो चली ना जाए। ओके, सो नाउ टाइम टू ऐड सम मसाला। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, ये मैंने 2 से 2.5 छोटा चम्मच डाला है। उसके बाद जीरा पाउडर, ये हो गया अराउंड 1.5 छोटा चम्मच। इसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी, अराउंड 3/4 चम्मच। एंड इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, आधे से भी थोड़ा कम ही डाला है मैंने। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम डालेंगे नमक। ऑब्वियसली अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 चम्मच पूरा डाला है। और यहाँ मैंने बोनलेस चिकन का जो 400 ग्राम्स का पैकेट आता है उस पूरे को अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। अब ये पूरा मैं इसमें डाल दूंगी और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है कि पूरा जो मसाला है उसमें घुल जाए। इस वक्त पे आपको इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस ढक के इसे अच्छे से कुक होने दीजिएगा। ये देखिए ये इस तरीके से खुद ब खुद जो है अपना पानी थोड़ा सा ही छोड़ेगा, बस आपको उसे ना भूनते रहना है। ये देखिए अब करीब 5 मिनट जो है मैंने इसे ढक के रखा था, पानी पूरी तरीके से सूख हो चुका है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ना ये ब्राउनिश कलर अडेप्ट कर रहा है। इसी तरीके से हम इसको जितना ज़्यादा भूनेंगे ना उतना ही सौंधापन इसमें आएगा। अब हम ये 1/2 कप ऑफ जो दही है इसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है ताकि इसके लम्प्स जो हैं सारे गायब हो जाएं, वो हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ना पहले खुला रख के उस वक्त तक स्टर करना है जब तक ये दही का जो सफ़ेद कच्चापन है वो चला ना जाए। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में जो है ना ये ब्राउनिश हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कैसे ब्राउनिश हो गया है। और अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऊपर से चाट मसाला डाला है और अब आप इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए कुक कीजिएगा। 4 से 5 मिनट लगभग मैंने इसे कवर करके कुक किया है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा जो हमारा रोल का फिलिंग है चिकन वो रेडी हो गया है। अब चलिए टाइम टू मेक सम चटनी। ये मैंने लिया है हरा धनिया, ये है पुदीना। पुदीना इसके 1/2 या 1/3 के आसपास होता है। मैं हमेशा चटनी में ये प्रपोर्शन फॉलो करती हूँ। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्च ले ली है, 2 बहुत ही छोटी है तो आप 3 बोल सकते हैं। और ये मैंने 4 लहसुन ले लिए हैं। इसके साथ साथ हम डालेंगे नमक, जीरा मसाला और थोड़ा सा। हाँ जी, मैं डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून हीप्ड जीरा मसाला, ये नमक अपने स्वाद के हिसाब से। इसके बाद पानी डाल के इसको मैंने अच्छे से चर्न कर लिया और ये देखिए हमारी चटनी रेडी है। अब ये मेरी नाचनी की रोटी। नाचनी की रोटी में सबसे पहले स्प्रेड कर लूँगी चटनी, अ जेनरस नाइस अमाउंट ऑफ चटनी, सो दैट वो जो चटपटा फ्लेवर है वो अच्छे से आए। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर प्लेस कर लूँगी अगेन चिकन, अच्छे से, नो कंजूसी, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। एंड नाचनी की रोटी, जवार की रोटी यूजुअली ड्राई होती हैं तो इसलिए आपको फिलिंग और चटनी जो है वो अच्छे से डालनी पड़ेगी। और अब इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे अपने अनियंस जो हमने पानी में भिगो के रखे थे, तो अब तक वो अच्छे से जो हैं क्रंची और उनका जो तीखापन है वो पूरा जा चुका होगा। एंड ऊपर से थोड़ा सा लाइम स्क्वीज कर देंगे, दैट्स इट। और अब हम इसे कर देंगे फोल्ड और अच्छे से रैप।
चलिए डन। ये जो दो तीन प्याज बाहर गिर गए इनको मैं वापस अंदर डाल देती हूँ और ये हमारा नाचनी चिकन रोल रेडी है। ये फिलिंग जो है ना बहुत ही सिंपल, इजी और टेस्टी बनती है और बहुत भुना भुना सा फ्लेवर आता है इसमें। आप जैसे रोटी, मैं अभी यहाँ पे गेहूं की रोटी डाल रही हूँ और मैं थोड़ा मेयो भी डाल रही हूँ। मैं आपको सिर्फ वैरायटीज़ बता रही हूँ कि आप अलग अलग तरीके से भी इसका रोल बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने वीट की रोटी पे थोड़ा सा मेयोनीज डाल लिया है, उस पर मैं ये डाल रही हूँ चिकन और ऊपर से मैं डालूँगी अनियन और ऊपर से हल्के ड्रॉप्स डालूँगी अपनी चटनी के। आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं, मेल्टेड चीज़, चीज़ स्प्रेड, ये सब भी डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद है। बट जो फिलिंग है और जो चटनी है और जो प्याज है, ये तीन का कॉम्बिनेशन ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आपको जो ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। चलिए ये हो गया हमारा मेयोनीज वाला रोल रेडी। अब जो है ये देखिए, मैंने गेहूं की रोटी पे चटनी और चिकन और प्याज और नींबू डाल दिया है। इसमें नो मेयो, नो चीज़, नो नथिंग, चीज़ तो मैंने कहीं भी नहीं डाला। सो ये भी ऑप्शन है और ये मेरा मील जो है सूप एंड नाचनी चिकन रोल इज रेडी। वो है मेरा मील और ये है शोएब का मील। हैट्स ऑफ शोएब। अभी इतने दिन ना बहुत खाया है और सब कुछ खाया है, तो अब इस टाइम के वापस से हम अपने पुरानी वाली चीज़ें शुरू कर दें। जो ये यूजुअली जब भी मैं मुझे एकदम से अपने आप को शेप में लाना होता है, मैं यही खाता हूँ। आपको पता है कितने सालों बाद ये खा रहे हो? काफ़ी टाइम बीच में एक दो बार किया लेकिन फिर हो नहीं पाया। बट ये अभी रेगुलर करना है। सुबह ऑमलेट नाश्ता होता है प्रोटीन वगैरह, शाम को ये होता है। तो करल मांगा करता था ये करल मांगा।